मैं बबलू सिंह जसोटिया डोगरा एकता मंच और दीवार रायतू सभा का एक छोटा सा सिपाही। एक सबसे पहले मैं आपका मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करूंगा। आज ये प्रेस वार्ता रखने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जैसे आपको पता है कि पिछले साल 23 सितंबर 2022 को हमें छुट्टी मिली थी, तो आज ये एक साल कंप्लीट हुआ है। ये जो महाराजा हरि सिंह जी का जन्म त्योहार है, ये हम बहुत ही हर्षोल्लास से और एक पर्व के तौर पर मनाएंगे। इसका ये जो इसका कार्यक्रम की रूपरेखा है, थोड़ा मैं इसको बताना चाहूँगा कि ये जो हम रैली की शेप में हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो चौक है, तो पहले वहाँ पे ही हम शुरुआत करेंगे, वहाँ श्रद्धांजलि देके वहाँ से एक रैली की शेप में ढोल नगाड़ों में के साथ और बैंड बाजों के साथ शुरुआत करेंगे, जिसमें पूरा डोगरा समाज, जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर तरीके से जितने भी हमारे जहाँ पे कठुआ में तहसील्स हैं, विलेजेस हैं, अंदर है हमारे कंडी बेल्ट है, सबको हमने न्योता दिया है। और आपके माध्यम से भी ये एक मैसेज दे रहे हैं कि सबको एक मैसेज है कि जहाँ आप आएँ और हमारे जहाँ पे एक पर्व मनाएं। और दूसरा, जहाँ से रैली चलेगी बिल्कुल फिक्स टाइम है 10:30 बजे, 10:30 पर। तो ये रैली जहाँ शहीद जो हमारा शहीद भगत सिंह पार्क है, जहाँ पे हम शहीदों को नमन करेंगे, और इसके बाद टांगरी पैलेस में हमने एक जहाँ पे एक पैलेस बुक किया है, जहाँ पे हमने जितने भी हमारे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं, जहाँ हमारे पंच सरपंचस हैं, म्यूनसिपल काउंसलर्स हैं, जहाँ हमारे मीडिया बंधु आप भाई, इनको सबको हम सम्मानित करेंगे महाराजा हरि सिंह जी का एक सर्टिफिकेट से और महाराजा हरि सिंह के चित्र से, मोमेंटो से। तो हम सबको एक सम्मानित करेंगे जो हमारे कठुआ का नाम रोशन करते हैं। तो इसमें जो हमारे मुख्य अतिथि हैं वो डीसी कठुआ श्री राकेश मन्हास जी और एसएसपी कठुआ श्री शिवदीप सिंह जी हैं। तो वो आके बच्चों को एक आशीर्वाद देंगे। तो इसके लिए मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ और सबको आह्वान करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे नौजवान, मातृशक्ति, बहनें, बुजुर्ग और जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर किस्म के लोग यहाँ आए और हम मिलके एक पर्व मनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय डोगरा। आभार प्रकट करता हूँ कि आप एक निवेदन पे यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे हैं। मेरे साथ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान यहाँ पर चरणजीत सिंह भोला जी बैठे हैं, हमारे बबलू जी जसोटे साहब बैठे हैं, हमारे मुस्लिम भाई और बड़े हमारे ये जो एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये हमारे साथ बैठे हुए हैं, और उपदेश और नूत्रा जी महिला विंग से ताल्लुक रखती हैं, तो ये भी यहाँ पर हैं। तो आपने जो सवाल किया, सबसे पहले मैं आप पर ये तारुफ करवा दूँ कि जो 23 सितंबर की जो छुट्टी पिछले साल हुई थी, जिसमें युवा राजपूत सभा ने तो जद्दोजहद की थी, मगर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सभी जितने भी हमारी रिलीजियस हमारे सरदार हिंदू मुस्लिम सिख भाई, जितने भी ईसाई भाई जितने भी थे, वो सभी ने उस मूवमेंट को सपोर्ट किया था। उस समय आपको भली भांति जानते हैं, और छुट्टी हुई थी, तो मैं जैसे इन्होंने ये निवेदन किया है कि हम मुखर्जी चौक से ये उस दिन हम अपनी यात्रा को शुरू करेंगे, शुभारंभ करेंगे, मैं ये भी तारुफ करवा दूं कि उसका कारण है कि हम क्यों वहाँ से शुरू कर रहे हैं मुखर्जी चौक से, क्योंकि अगर 370 को तोड़ने की मुहिम जब शुरू की गई थी हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उस समय के मंत्री थे, कबीना मंत्री थे, और एक बंगाल से एक चिंगारी उठी और उन्होंने आके यहाँ पर शहादत दी थी, इस लखनपुर को क्रॉस करके कठुआ में, आप भली भांति जानते हैं कि उनकी शहादत के कारण हमने ये सोचा है कि इस बार सभी बरादरी, सभी हमारे रिलीजियस जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम सभी वहाँ जाएंगे और उनको एक श्रद्धा पूर्वक हम उनको श्रद्धांजलि भी वहाँ पर देंगे, और वहाँ से ही यात्रा शुरू कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि जैसे महाराजा हरि सिंह जी जो हमारे महाराज हुआ करते थे, जिन्होंने इतने रिफॉर्म्स लाए थे उस समय जब वो अपने अपने टाइम टेन्योर में, जब राजा के रूप में वो यहाँ पे
जम्मू कश्मीर के कार्यबंध थे, तो उन्होंने जो रिफॉर्म्स लिए थे जिसमें सबसे बड़ी थी अनटचेबिलिटी, जो टचेबिलिटी को छुआछूत को ख़त्म किया गया था, तो उसी कड़ी में जो उनके रिफॉर्म्स हैं एजुकेशन में, मेडिकल में, जो भी हेल्थ में, जितने भी रिफॉर्म्स हुए हैं, तो उनको आज सभी अगर हम याद करें और उनके साथ अगर कहीं भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करें, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और हमारा कठुआ वैसे भी सेकुलर एकता के लिए माना जाता है, तो मेरा निवेदन यही होगा, कठुआ आवाम से भी होगा, हमारी युवा शक्ति से भी होगा, और जितने भी रिलीजियस हमारी संगठन्स हैं और जितने सोशल संगठन हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सभी से निवेदन है कठुआ के आवाम से कि 23 सितंबर को उस यात्रा में शरीक हों और यहाँ पर आकर, जैसे उन्होंने कहा है कि हम भगत सिंह चौक पे यहाँ इस यात्रा को ख़त्म करेंगे और उसके बाद एक जनसभा को संबोधित किया जाएगा, जिसमें संबोधित भी किया जाएगा और जैसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, जैसे उन्होंने कहा है कि हम उनको अप्रिशिएट करेंगे और मीडिया बंधुओं को और जो भी सरपंची पंचेज हैं उनको भी हम उनको करना है, डिप्टी कमिश्नर कठुआ और SSP वर्दी SSP जमाल साहब ने, तो ये बहुत ही गर्व की बात है। 23 सितंबर हमारे लिए एक पर्व के रूप में इसे मनाया जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि अब जैसे छुट्टी तो है ही है, तो इसको एक ऐसे ही पर्व के रूप में देखा जाए और मनाया जाए कठुआ आवाम के लिए। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि सभी एक बार हम फिर सब मिलकर, हिंदू सिख मुस्लिम भाई जितने भी हैं ईसाई, एक मंच के ऊपर खड़े हों और महाराजा साहब को अपनी श्रद्धांजलि पेश करें। धन्यवाद।